फरवरी प्यार का महीना माना जाता है। कहते हैं कि फरवरी महीने में प्यार करने वाले एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं। बता दें कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। इस वैलेंटाइन वीक में और प्यार के महीने में आज मैं आपको बिहार के एक बड़े नेता की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, बता दें कि लालू यादव का लकी चार्म थी राबड़ी। जी हाँ, लगभग 50 सालों का ये प्यार है। लालू यादव और राबड़ी देवी के बीच का प्यार जग जाहिर है। कई ऐसे मौके हैं जब लालू राबड़ी को रेड रोज देते नजर आए हैं। कई बार तो ऐसा करते हुए मीडिया के कैमरे में भी कैद हुआ है। बता दें कि दोनों की कहानी लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। लालू हर खुशी के मौके पर राबड़ी देवी को गुलाब का फूल देते हैं, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या दोनों की शादी की सालगिरह हो। राबड़ी करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं। बता दें कि उस दौरान लालू कहीं भी हो, उनका व्रत खुलवाने के लिए तय समय पर अपने घर ज़रूर पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि राबड़ी की सलाह के बिना लालू कोई काम नहीं करते। कई बार उन्हें राबड़ी की जिद के आगे भी झुकना पड़ा है। बिहार की राजनीति में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप की एंट्री भी उन्हीं के कारण हुई है। लालू छोटे बेटे को राजनीति में आगे करना चाहते थे, लेकिन राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को पहले राजनीति में उतारा। लालू राबड़ी देवी के हीरो हैं, उनके फैन तो पूरे देश में हैं, लेकिन जब भी कोई उन्हें देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये एक टीवी कार्यक्रम में राबड़ी ने बातें कही थी। इसी तरह छठ पूजा के दौरान भी उनका उत्साह देखने को बनता है। लालू प्रसाद यादव के साथ विवादों का नाता चोली दमन कर रहा है। उन्हें बिहार के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में से एक माना जाता है। लालू यादव को बिहार में सामाजिक न्याय का अगुआ भी माना जाता है। उनके नेतृत्व में कई बदलाव बिहार ने देखे हैं। राज्य को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का श्रेय भी लालू यादव को ही जाता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी। बिहार की जनता ने हमेशा लालू राबड़ी की जोड़ी को बेहद पसंद किया है। आइए और आगे उनकी प्रेम कहानी के बारे में आपको बताते हैं। 1956 में पैदा हुई राबड़ी की उम्र लालू प्रसाद यादव से 8 साल कम थी। जब दोनों की शादी हुई थी तब लालू 25 साल के थे और राबड़ी किशोरी ही थी। राबड़ी के परिवार वाले ऐसा परिवार तलाश रहे थे जहां उन्हें सारे सुख सुविधाएं मिल सके, पर राबड़ी के पिता ने उनके लालू प्रसाद यादव को पसंद किया क्योंकि उन्हें लालू प्रसाद यादव की समझ बूझ और उनका पढ़ा लिखा होना बहुत पसंद आया था। दोनों की शादी 1973 में हुई थी। राबड़ी शुरुआत में अपने पति के राजनीति के प्रति रुझानों से बेहद सशक्ति थी। हालांकि उन्होंने लालू यादव का साथ हर परिस्थिति में दिया है। लालू प्रसाद यादव देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पीरियड वाली छुट्टी की शुरुआत की थी। उन्होंने 2 जनवरी 1992 को बिहार सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए माहवारी यानी पीरियड्स लीव की घोषणा की थी। यह उनका क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने इसकी शुरुआत तब की थी जब इस विषय में सोचना भी टैबू था। राबड़ी देवी लालू यादव का लकी चार्म मानी जाती थी। पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जीतते ही लालू की राजनीति की राह बुलंद हो गई। बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आने से उनकी राजनीतिक धार और ज़्यादा तेज हो गई। माना जाता है कि राबड़ी के घर वाले इस शादी को तैयार नहीं थे। राबड़ी पैसे वाले घर से संबंध रखती थी जबकि लालू के पास पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी थी। घर जो था वो भी झोपड़ी था। लालू की माँ ने तो जब कभी भी तेज बरसात होती थी तो घर पानी से भर जाया करता था, लेकिन राबड़ी को इसका कभी मलाल नहीं हुआ। लालू राबड़ी के इस व्यवहार के कारण उनकी हमेशा इज्जत करती थी। बता दें कि राबड़ी लालू यादव को बहुत ज़्यादा मानती थी और हर परिस्थिति में उनका साथ देती थी।